खैसर बोल के हबीब नगर का पुलिस स्टेशन का रोडी शीटर है जो पुराना, वो बहुत से 129 केसेस में इन्वॉल्व है। वो अब ये इलेक्शन के तौर इलेक्शन में वो कुछ कुछ ऑफेंस करता क्या बोल के उसको लेके आके इंक्वायरी करे, और उसके कॉन्टैक्ट्स किस 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 में है, उसके कॉन्टैक्ट्स किधर किधर है बोल के वो इंक्वायरी करने में थोड़े लोगों के कॉन्टैक्ट्स है, तो उनके कॉन्टैक्ट्स कई के किस लिए है बोल के मालूम करे। मालूम करते उसमें एक अपन ने नॉलेज में आया कि किस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसा कुछ मर्डर करने के लिए सुपारी लिए बोल के मालूम हुआ, तो उस केस में उसको रिमांड करें। सर ये कौन से साल कौन में सा हुआ था है सर ये सुपारी का केस? वो, मैं मालूम 16 16 में हुआ। 2016 से अब तक क्यों केस भी उनको अरेस्ट नहीं करे सर? नहीं वो नहीं आया, अपने नॉलेज में नहीं आया और रिपोर्ट नहीं हुआ था, तो ये इंक्वायरी में जो रिसेंट इंक्वायरीज में मालूम हुआ। पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज है इनको उनका प्रेजेंट एक्टिविटी क्या है अच्छा बोले तो इनो बिजनेस के तौर पे वो क्या ढाबे उबे चला ले रहे, मगर वो उनके आदमियों को रख के कुछ काम कर रहे बोल के मालूम हुआ, तो उसमें इस वास्ते डिटेल में इंक्वायरी करे तो ये मालूम। को भी अरेस्ट करेंगे छोड़ देंगे और गिरफ्तार हाँ नहीं अभी तो नहीं हुए, अब इंक्वायरी कर रहे हैं एसोसिएट्स में कौन कौन इन्वॉल्व है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन इन्वॉल्व है, पूरा को अरेस्ट करते हैं। सर ये कंप्लेनेंट पे कुछ एक्शन लेंगे सर इसके ऊपर जो उन्होंने भी हाँ वो भी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आते हैं उसके ऊपर भी इंक्वायरी करके एक्शन लेते। सब ये जो आप बोले पॉलिटिकल क्या पार्टी मालूम आप से इन्वॉल्व नहीं है, खाली रोडी शीटर है, रोडी शीटर के तौर पे काम कर रहे, तो आप किसी पार्टी के तरफ नहीं जा के काम करना बोल के उनको वार्निंग दे के पूरा इंक्वायरी करें। दूसरे रोडी शीटर्स पर रोडी शीटर को भी हम ये बोलना चाह रहे कि आप ये इलेक्शन में किसी के तरफ से कोई पार्टी की तरफ से कैनवसिंग ना करके किसको पब्लिक को डरा के धमका के वोट डालाने की कोशिश ना करें। रोडी शीटर अगर वो है वो एलिजिबल है तो वो लड़ सकता, मगर वो उसमें एलिजिबल नहीं रहता। राउडी शीटर में ऑलरेडी केसेस है, हम रिपोर्ट लिख देते, वो इलेक्शन कमीशन का इसमें आ जाता हो, अगर वो एलिजिबल रहे तो कर सकता, कमीशन का का फैसला है वो। हम अपनी तरफ से अगर रिपोर्ट पूछे तो हम उसके ताल्लुक से रिपोर्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, वो एट लास्ट इलेक्शन कमीशन का फैसला रहता ना।